पूर्व मंत्री डॉक्टर अब्दुल गफूर कोसी तटबंध के निरीक्षण कलन इंजीनियर सब द्वारा निर्धारित बचाव कार्य कल जाए के बावजूद पूर्वी कोसी तटबंध पर 78.30 किलोमीटर E2 पर नदी के दबाव में कोनो कमी नहीं आबि रहल अछि। पूर्वी कोसी तटबंध के E2 पर अप स्ट्रीम में रिटायर बांध के समीप भ रहल कटाव के विधायक सह पूर्व मंत्री डॉक्टर अब्दुल गफूर स्थलीय निरीक्षण कलन। वो कहलन पैघ संख्या में तो लोग बसल जिनका पर कटाव के खतरा मंडरा रहल अछि। कटाव होय के बाद मुख्य तटबंध पर दबाव बढ़ जात जाय सँ स्थिति बिगड़ सकैत अछि। वो विभागीय अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के बचाव के दिशा में हर संभव कार्य करे के आग्रह कलन। जिन गाँव में नाव की आवश्यकता है वहाँ पर जिला प्रशासन से मेरी बातचीत हुई है, 2-3 दिन के अंदर ही नाव का व्यवस्था कर दिया जाएगा। और जो कटाव है, कटाव के लिए भी प्रोटेक्शन वर्क हो रहा है और आपके सामने देखिए कि यहाँ काम हो रहा है और अधीक्षण अभियंता खुद स्वयं मौजूद होकर के काम का निरीक्षण कर रहे हैं और चीफ इंजीनियर भी लगातार आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कटाव की बात है और कटाव का कार्य निरोधात्मक कार्य हो रहा है, वहाँ अक्सर मजदूर के भरोसे ही कार्य हो रहा है। वहाँ ना तो एसक्यूटिव साहब रहते हैं, ना ही SDO साहब रहते हैं। विभागीय या किसी मंत्री विधायक के या बड़ी पदाधिकारी की सूचना पर ही विभागीय अभियंता या SDO मौजूद रहते हैं। अक्सर मजदूर के भरोसे ही यहाँ काम हो रहा है। नहीं, अब तो रात दिन काम हम लोग को नॉलेज में है कि चीफ इंजीनियर खुद कई बार आ चुके हैं देखने के लिए। जिस साइट पर चीफ इंजीनियर आवेंगे तो AC और एग्जीक्यूटिव को तो रहना अनिवार्य है, और अगर ये कमी रही है तो हम समझते हैं अब वो कमी नहीं रहेगी।